योग गुरु बाबा रामदेव की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे पतंजलि के खिलाफ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आपका माफीनामा भी उतना ही बड़ा हो जितने बड़े आपके अखबार में विज्ञापन थे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और उनके संस्थापकों द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ चलाए गए कथित बदनामी अभियान के खिलाफ IMA द्वारा दायर मामले पर सुनवाई कर रही है। इस पर बोलते हुए कोर्ट ने कहा कि आप अपने विज्ञापन बढ़ाकर हमारे पास अखबार ना लाएं, हम आपके विज्ञापन का वास्तविक आकार देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आप कोई विज्ञापन जारी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। ये सिर्फ कागज़ पर लिखने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए भी है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपके अखबारों में आपके द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक माफी उनके विज्ञापन जितने बड़े थे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वे सिर्फ पतंजलि पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं बल्कि उन सभी FMCG कंपनियों द्वारा किए गए भ्रामक स्वास्थ्य दावे के बड़े मुद्दे पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी इस मामले में पक्षकार बनाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि FMCG कंपनियां शिशु, स्कूल जाने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले उत्पादों के विज्ञापन प्रकाशित कर जनता को धोखा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पिछले 3 वर्षों में भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा। हम केवल उत्तरदाताओं को नहीं देख रहे हैं, जिस तरह कवरेज हमने देखी है अब हम सभी को देख रहे हैं। हम बच्चों, शिशुओं, महिलाओं को देख रहे हैं और कोई भी आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। केंद्र सरकार को इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। इससे पहले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सह संस्थापक बाबा रामदेव और पतंजलि के प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने विज्ञापन के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उनके और कंपनी द्वारा किए गए भ्रामक विज्ञापनों के लिए उन्हें फटकार लगाई। इससे पहले शीर्ष अदालत ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने वाले दोषी लाइसेंसिंग अधिकारियों के साथ मिले होने के लिए उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई थी।